नमस्कार, मैं हूं निशा द्विवेदी। सीजी स्टार न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस बुलेटिन की खास खबरें। पुत्र की आयु के लिए माताओं ने की कमर छठ की पूजा। सिख समाज छत्तीसगढ़ ने किया प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स का सम्मान। कैट ने शुरू किया चीन भारत छोड़ो अभियान। फोटोग्राफी व्यवसाय संकट में। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर एक बार फिर चर्चा में। कोरोना पॉजिटिव की आप बीती। अब समाचार विस्तार से। पुत्र की लंबी आयु के लिए माताओं ने कमर छठ की पूजा की और व्रत रखा। आज के ही दिन हल षष्ठी भी मनाई जाती है। इस दिन बिना हल चलाए जो अनाज उत्पन्न होता है उसका भोग भगवान को लगाया जाता है और साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। देखिए दिनेश साहू की खास रिपोर्ट। जय जोहार। आज हम मंगलराम साहू जी के यहाँ है जहाँ हल षष्ठी की पूजा की गई और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माता जी आप क्या बोलेंगे, आज त्योहार है हल षष्ठी का जिसको कमर छठ भी बोलते हैं। कमर छठ महारानी का आज त्योहार है। कम से कम 30 साल हो गए मेरे यहाँ कमर छठ की खुदाई करके। हम लोग यहीं पूजा करते हैं, बहू बेटी बाहर मत जाए करके। 30 साल हो गए मेरे तीनों बेटा बहू सब यहीं साथ में रहते हैं। पूरा पड़ोसी वाले आज सब आए हैं और देख के उत्साह लगा और अच्छा लगा। हल षष्ठी क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? ये अपने बाल बच्चे के लिए मनाए जाते हैं। अच्छा, और क्या बताएंगे आप? और ये पूजा पाठ करने से सब बाल बच्चे अच्छा खुशी से रहते हैं और अपने घर परिवार के लिए सब पूजा पाठ करते हैं और सभी के लिए अच्छा है। ये त्योहार जो है माताएं अपने पुत्र के लिए लंबी आयु के लिए किया जाता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये सब यहाँ हमारे यहाँ आई हुई थी पूजा करने। और हम लोग क्या करते हैं, वो पोती मारते हैं, बेटा बेटी बहू नाती नतरा। एक वो भी हम प्रकार है कि वो हल षष्ठी देवी के वो है निशानी है और आशीर्वाद है। वो पीला वो मट्टी से उसका मतलब पोती लगाते हैं। अच्छा, बड़ी माँ आप क्या बोलेंगी? मैं नहीं बोला। आज हल षष्ठी का व्रत भी है जो माताएं अपनी संतानों के लिए करती हैं, जिसे कमर छठ भी कहते हैं, हल छठ भी कहते हैं और खर छठ भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अनूठा पर्व जिसे माताएं अपने संतानों के लिए रखती हैं, जहां हर जाति हर समुदाय के लोग इसे सद्भावना के साथ सद्भाव पूर्ण करते हैं। छत्तीसगढ़ ने प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स का सम्मान किया रायपुर स्टेशन रोड उपस्थित गुरुद्वारे में। इस अवसर पर महेंद्र सिंह छाबड़ा जो कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सिख समाज छत्तीसगढ़ के इस आयोजन से और इस प्रयास से स्टूडेंट्स में काफी उत्साह देखने को मिला, उनका मनोबल बढ़ेगा। देखिए दिनेश साहू की खास रिपोर्ट। सिख समाज छत्तीसगढ़ की तरफ से हम लोग लगातार समाज के बच्चों की समाज के लिए उत्थान के प्रगति के लिए अनेक कार्यक्रम करते रहे हैं। अब एक हमने एक अवसर देखा कि यहाँ पर विद्यार्थियों को जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों को हम लोगों ने सम्मान करने का निश्चय किया। पूरे प्रदेश के अंदर में 56 लोगों ने, विद्यार्थियों ने जो 85% से अधिक अंक पाए थे वो लोगों ने हमसे हमारे यहाँ पंजीयन कराया, उन लोगों का सम्मान हम लोग कर रहे हैं। आज राजधानी रायपुर के 18 बच्चों का सम्मान किए हैं। इसके बाद बिलासपुर, कवर्धा, सरायपाली से लेकर डोंगरगढ़ तक और अंबिकापुर से लेकर यहाँ धमतरी तक सभी अलग अलग स्थानों पर बच्चों ने, प्रतिभावान बच्चों ने इस अंक को प्राप्त किया है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज के बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम इन बच्चों के लिए आने वाले समय में भी अनेक और कार्यक्रम करने वाले हैं। इनके कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे ताकि इनका कैरियर और अच्छा बन सके। और हर संभव प्रयास सिख समाज हमेशा करता रहा है कि अपने समाज की प्रगति, उत्थान और उस विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं वो हम लोग लगातार बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। जो जैसे चीज़ें होती है, जैसे हम लोग जब बड़े हो जाते हैं कुछ कुछ नेगेटिव थिंग्स आती है हमारे तरफ, तो बस उससे थोड़ा दूर रहिए
वाहेगुरु जी से जुड़े रहिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए तो आप जरूर सफल होंगे। ये सब सिर्फ वाहेगुरु जी के कारण ही हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। आगे जाके डॉक्टर बनना है और सभी गरीब और जो भी जरूरतमंद है उनको फ्री सेवाएं प्रोवाइड करनी है। और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सिख समाज हमें बहुत प्रोत्साहित करती है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और आगे जाके 12th में और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मेरा सब सब्जेक्ट में बहुत ही 95+ मार्क्स आए। क्या स्ट्रीट लिए हो आप? साइंस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स कैसा है आपका? मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा है, इस बार मेरे को 99 मार्क्स आया था मैथमेटिक्स। सर बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग को बहुत इंकरेजमेंट मिला, आगे जाके हम लोग और भी अच्छा करेंगे और बाकी सब वाहेगुरु जी की मेहर है ही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सिख समाज का, जो आज इतना बड़ा गिफ्ट मिला, अच्छा लगा मुझे। पापा भी खुश है क्योंकि पहले मस्ती बहुत करता था, इस साल मेहनत किया था, अच्छे नंबर आ गए। कुछ नहीं, मस्ती पूरा करो बस, क्लास ले रही, थोड़ा सा ध्यान दे लो फिर पूरी मस्ती। अभी मैं बहुत खुश हूँ, ये सब वाहेगुरु जी की मेहर है, अगर उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती तो ये सब नहीं होता। मैं बहुत ही खुश हूँ और वाहेगुरु जी की शुक्राना करना चाहूँगा और सिख सोसाइटी को भी बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत प्रोत्साहित किया। कोरोना वायरस के लिए चीन को दोष दिया जा रहा है और यही वजह है कि पूरे देश में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर व्यापारिक संगठन कैट ने चीन भारत छोड़ो अभियान के तहत धरना दिया। दीपक ठाकुर की खास रिपोर्ट। जय जोहार, आज हम यहाँ धरना स्थल पर है बूढ़ा तालाब के पास, मेरे साथ राजकुमार राठी जी जुड़े हुए हैं, ये चीनी उत्पाद का विरोध कर रहे हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप। देखिए, हमारी कैट राष्ट्रीय संस्था है, 7 करोड़ व्यापारी जुड़े हुए हैं। आज हमारे कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस प्रदेश के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष अमर परवानी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 600 शहरों में और छत्तीसगढ़ में परवानी जी के नेतृत्व में हर जिला मुख्यालय पे चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। आप देख रहे हैं, जब से गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को शहादत हुई है तब से देश के नागरिकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश चीन के प्रति व्याप्त है। इस साल एक वीक जो है पैसे की राखी चीन से नहीं मंगाई गई, इकलौते छत्तीसगढ़ में 60 से 70 करोड़ की राखी आती थी, छत्तीसगढ़ में 1 रुपये की राखी नहीं खरीदी गई है। और आपको बताना चाहूँगा, अभी 12 तारीख को जन्माष्टमी है, उसके बाद 22 तारीख से गणेश जी विराजमान हो रहे हैं, फिर दशहरा है, फिर धनतेरस है, फिर दिवाली है। किसी भी त्यौहार में चीन के सामान का हम उपयोग नहीं करेंगे, ना तो चीन के दिए को इस्तेमाल होगा, ना चीन की जो लाइटिंग हम लोग करते थे घर पे, ना उसकी लाइटिंग का इस्तेमाल होगा और ना चीन के फटाके का इस्तेमाल होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ये टारगेट तय किया है कि 1 साल में चीन को 1,00,000 करोड़ रुपये का जो आयात होता था उसका नुकसान पहुँचाएंगे। अभी आपको बताना चाहूँगा, जो फिगर हमारे पास है, देश में 6,00,000 करोड़ का व्यापार चीन के साथ होता है, 4,80,000 करोड़ का माल हम चीन से मंगाते हैं और 1,10,00,000 का माल हम निर्यात करते हैं। हमने यह तय किया है कि इस साल 22% जो चीन के आयात में कमी आएगी, क्योंकि 20 साल से चीन जो है इस देश में पैर जमाया हुआ है, एक दिन में इसका सफाया नहीं होगा। इस साल जो है 22% की कमी आएगी, अगले साल फिर 22 से 30% की कमी आएगी, उसके फिर तीसरा साल 20 से 22% की कमी आएगी, 3 से 4 साल में चीन को हम यहाँ से जीरो कर देंगे। कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा संकट में इस समय फोटोग्राफर व्यवसाय है। लॉकडाउन ने जहां फोटोग्राफर के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी है, वहीं भविष्य में शादी ब्याह के अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में रोक की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे समय में फोटोग्राफर सब्जी बेचने तक को तैयार हो चुके हैं। देखिए जयंत पाठक की मार्मिक रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में भय का माहौल क्रिएट करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग ने कई सारे व्यवसाय को प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा शिकार फोटोग्राफर हुए हैं, क्योंकि शादी विवाह के साथ कोई भी फंक्शन ऐसे समय में आयोजित करना मुश्किल है। साथ ही आने वाले 6 माह तक किसी भी तरह के कार्यक्रम पर किसी भी तरह की छूट मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे मुश्किल समय में सबसे ज्यादा प्रभावित फोटोग्राफी व्यवसाय हुआ है। फोटोग्राफर और फोटो स्टूडियो संकट में है। ऐसे कठिन समय में फोटोग्राफर सब्जी भाजी बेचने से लेकर दिगर कार्य कर रहे हैं। सवाल बहुत से हैं और उम्मीद थी कि सरकार ने फोटोग्राफर को राहत देने की कोई घोषणा भी नहीं की। ऐसे संकट काल में क्या करें, ये भी बड़ा प्रश्न है। जय जोहार संगवारी मन, मैं जयंत पाठक, सीजी न्यूज स्टार से।
लॉकडाउन के चलते हुए हमारे फोटोग्राफर काना भैया जो कि लॉकडाउन के चलते हुए हमारी समस्या बताइए काना जी। हमारा मुख्य आजीविका का साधन हमसे दूर हो चुका है। आज के समय में फोटोग्राफरों के पास महंगे कैमरे होते हुए भी वह तंग हालातों का सामना कर रहे हैं। हमारी समस्याओं का ध्यान आकर्षण करने के लिए कई बार सरकार को ज्ञापन दिए गए हैं पर उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज हमारी मुख्य समस्या दुकान का किराया, कैमरों की किस्तें और घर चलाने के लिए पैसे की कमी है। हमारे कई भाई मात्र इसी से जीवन यापन करते हैं पर आज के समय में जिस तरह का माहौल है, फोटोग्राफर बिरादरी और हमारे सभी भाई आने वाले भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, हो सके तो फोटोग्राफर भाइयों का सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएँ का लाभ दिया जाए ताकि उनका और उनके परिवार का भविष्य खत्म ना हो। फोटोग्राफी यूनियन जिंदाबाद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के साथ ही छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर चर्चा में है। तपेश जैन की खास रिपोर्ट। जय श्री राम। आज पूरा देश राम में है। 5 अगस्त 2020 आज ऐतिहासिक क्षण है। अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ 500 साल बाद, 5 शताब्दी के बाद में यह भक्ति और उल्लास का क्षण देखते ही बनता था। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ का कौशल्या माता का मंदिर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ पूर्व में दक्षिण कौशल के नाम से फेमस था और यहाँ पर माता कौशल्या का जो मंदिर है रायपुर राजधानी से करीब 25 किलोमीटर दूर चंदखुरी के जलसेन तालाब के टापू में स्थित है। पूरे भारत में कौशल्या माता का यह एकमात्र मंदिर है जो कि अपनी आस्था और अनुपम प्राकृतिक वातावरण के साथ में, मनोहरी दृश्यों के साथ में और मंदिरों की श्रृंखला के साथ में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बहुत ही अद्भुत कहानी है चंदखुरी की, तो सीजी स्टार की खास रिपोर्ट आप सबके लिए। स्थानीय लोगों के अनुसार 8वीं शताब्दी में 7 तालाबों से घिरे जलसेन सरोवर में माता कौशल्या और भगवान श्री राम की युगल प्रतिमा प्राप्त हुई थी जिसे सरोवर के बीच टापू में स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया गया है। सरोवर में कमल पुष्पों की छटा निराली है। जलसेन सरोवर के टापू और इसके पास मंदिरों की श्रृंखला है और यहाँ का दृश्य बहुत ही रमणीक है। मंदिर के द्वार में श्री हनुमान जी विराजमान हैं। जिस तरह अयोध्या में हनुमान गढ़ी है, कहा जाता है कि हनुमान जी से आज्ञा लेने के बाद ही भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं। जलसेन तालाब के बीचों बीच श्री राम व कौशल्या माता की ऐतिहासिक प्रतिमा तो है ही, द्वार में माँ सरस्वती व माँ काली विराजमान है। मंदिर परिसर में राजा दशरथ का दरबार है जहाँ तीनों रानियां और चारों पुत्र श्री राम, श्री लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ में विराजमान है। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहाँ संजीवनी बूटी वाले सुषेण या सुखेन वैद्य की भी प्रतिमा है। कहा जाता है कि श्रीलंका विजय के बाद सुषेण वैद्य प्रभु श्री राम के साथ यहाँ आए थे और इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसी स्थान पर नारियल के साथ पर्ची में अपनी मनोकामना लिखकर यहाँ बांधी जाती है जो वक्त आने पर पूरी हो जाती है। सरोवर के बीच में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर जैसे शेषनाग की सरसैया में माँ लक्ष्मी के साथ में विराजमान है। दूसरी ओर समुद्र मंथन का दृश्य देखने को मिलता है। इस मंदिर के बारे में पुजारी पंडित संतोष चौबे बताते हैं कि यह मंदिर अलौकिक है। ये माँ कौशल्या का जो पावन धाम है ये बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही श्रद्धापूर्ण धाम है। यहाँ माँ कौशल्या जी का जन्म स्थान इसको माना जाता है। भानुमंत नाम करके राजा हो उनकी जो पुत्री थी माँ कौशल्या, जो कौशल क्षेत्र जब दक्षिण कौशल का इस क्षेत्र को कहा जाता है, और जिनके जो पुत्र हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो अखिल ब्रह्मांड नायक और संसार के पालनकर्ता, और उनकी जो मैया हैं माँ कौशल्या आज हमारे गांव चंदखुरी में विराजमान है। आस्था और विश्वास इतना है कि लोग यहाँ बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं, आ करके अपनी मनोती जो है उनका जो मांग होता है वो मांग मेरे माता के सामने रखते हैं और माता के सामने रख करके श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी जितनी भी मनोवांछित कामना होती है उनको पूर्ण प्राप्त करके। सबके राम सब में राम, माँ कौशल्या का यह मंदिर
छत्तीसगढ़ की धरोहर है और यहाँ आने दर्शन मात्र से आत्मिक सुकून मिलता है। कोरोना पॉजिटिव नितिन भंसाली ने स्वस्थ होकर अपनी आप बीती सीजी स्टार न्यूज को बताई। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बचाव तो इस बीमारी का एक ही उपाय, सुरक्षा ही उपाय है कहा जाता है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, पॉकेट सैनिटाइजर जेब में रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। नींबू, कच्चा नींबू यदि हो तो उसे काट कर उसमें अगर आपको काफ़ी खट्टा लगता है तो उसमें काला नमक थोड़ा सा लगाकर कच्चा नींबू ही चूस लें, वो काफ़ी फायदेमंद है। गर्म पानी पिएं, गर्म पानी में नींबू डाल के पिएं। साथ ही अमरूद जाम जो आता है वो विटामिन सी होता है, उसे भी खाएं। हेल्दी फूड खाएं, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और व्यायाम करें। मैंने एम्स में रहते हुए 10 दिन रोज सुबह आधे घंटे की लगातार व्यायाम और कसरत की, जिसमें मैं 51 बार ओम का उच्चारण करता था, जिसमें मैं सांस खींचकर ओम बोलते समय पहले मैं उसको सांस को ऊपर लेता था फिर उसको छोड़ता था। तो काफ़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी काफ़ी फर्क पड़ता है और ये लोगों के लिए फायदा। अभी जो डेथ हो रही है, क्या लगता है कि लोग घबरा रहे हैं इसकी वजह से हो रही है? कि एक कथा सुना रहे थे आप कि एक सांप वाली, तो बताएंगे क्या कथा थी? वो कथा ये है कि एक कैदी को फांसी की सजा होती है तो जेल प्रशासन ये बोलता है कि भाई मारना तो है ही इसे, तो वो कैदी को कहते हैं कि भाई हम तुमको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, हम तुमको कोबरा से डसाएंगे। तो कैदी बोलता है भाई मरना तो है ही, क्योंकि मुझे मृत्यु की सजा मिली है, तो कोबरा से डसवाओ या फांसी से चढ़ाओ। वो तैयार हो गया, उसके चेहरे पे काला कपड़ा डाल के उसकी आँखों को और उसके चेहरे को ढक दिया गया और उसके हाथ पे आलपिन से 3 बार चुभाया गया। आधे घंटे बाद उस कैदी की मृत्यु हो जाती है, जबकि उसको कोबरा ने डसा ही नहीं। तो कुछ जो डेथ हो रही है हिंदुस्तान में कहें या छत्तीसगढ़ में तो बहुत कमी हो रही है, और हिंदुस्तान में भी बहुत मृत्यु दर का आंकड़ा तो काफ़ी कम है। तो ये उस डर में ही लोग मर जा रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया है। भाई डरो मत, मैं संदेश दूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि डरने से इसका समाधान नहीं होना, इससे लड़ने की क्षमता चाहिए। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास, जिस व्यक्ति का विल पावर स्ट्रांग होगा, मैं ये दावा करता हूँ वो 80 साल का होगा या 90 साल का होगा या 100 साल का भी होगा, जिससे 10 बीमारियाँ होंगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास यदि मजबूत होगा, उसका विल पावर स्ट्रांग होगा, तो वो व्यक्ति 100% कोरोना से लड़कर वापस आएगा। कुछ अति बहादुर लोग घूम रहे हैं, जैसे मेरे परिचित कई लोग हैं, वो कहते हैं कोरोना हमारा क्या बिगाड़ देगा। तो मैंने आज सुबह ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की कि भाई कोरोना तुम्हारा बिगाड़ेगा नहीं, तुमको जड़ से उखाड़ देगा। तो ये थी सीजी स्टार न्यूज की प्रस्तुति। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सीजी स्टार के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।